शाहरुख खान कई लोगों को प्रेरित करते हैं और साक्षात्कारों और सोशल मीडिया में जीवन के सबक साझा करते हैं। बहरहाल अभिनेता ने बताया कि कैसे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, क्योंकि वो बहुत अधिक काम के बारे में शिकायत कर रहे थे। जब शाहरुख दिलवाले को प्रमोट करने के लिए रोहित शेट्टी के साथ बैठे तो उन्होंने एक दिन में 3 शिफ्ट में काम करने की बात कही। उन्हें एक फिल्म निर्माण पर काम के बोझ के बारे में कराहना याद आया। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और सरोज खान के सामने ओवरवर्क और परेशान होने के बारे में बड़बड़ाया। अनहोन ऐसे थप्पड़ मार यह पे उसके सिर के पीछे की ओर इशारा किया। एक कलाकार के रूप में बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि जब नहीं होता तो वो शिकायत बहुत बड़ी होती है। चीज के बारे में शिकायत करें, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना हो जाए बन पा रहे उतना और खुशी से कर सकूं। एक कलाकार के तौर पर कभी भी ज्यादा मेहनत की शिकायत मत करना, उसने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि बेरोजगारी आपको तबाह कर देगी। शाहरुख खान ने आगे कहा, मैं जितना कर सकता हूँ स्वेच्छा से करता हूँ। @surquiet की पोस्ट कार्डियक अरेस्ट ने 3 जुलाई 2020 को पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर की जान ले ली। 71 शाहरुख ने सरोज खान के बारे में ट्वीट किया, मेरा पहला वास्तविक फिल्म शिक्षक, उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे घंटों फिल्मी डांस डिप सिखाया। मैं जितने दयालु सबसे प्रेरक लोगों में से एक हूँ। मिस यू सरोज जी, अल्लाह उसकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। शाहरुख की वापसी वाली फिल्म पठान हिट रही। पठान का हिंदी संग्रह 502 करोड़ रुपए है, बाहुबली 2 द कंक्लूजन के 511 करोड़ रुपए से पीछे। पठान हिंदी 28 दिनों में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि बाहुबली 2 हिंदी ने 34 दिनों में कमाई की।